प्रकाश वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा बहुत चर्चित साप्ताहिक कार्यक्रम आमने सामने। आमने सामने में हम अक्सर कई मुद्दों को उजागर करते हैं जो कि जनता तक पहुंचाए जाते हैं। आज का जो बहस है उसे शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि पिछले कुछ दिन पहले पंचों सरपंचों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया जाता है जिसमें वे अपनी समस्याओं पर मंथन करते हैं, चर्चा करते हैं और उसके ही दूसरे दिन एक पत्रकार वार्ता की जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि जो पंच सरपंच हैं अनपढ़ हैं, उन्हें पंचायती राज एक्ट की जानकारी बिल्कुल नहीं है। आखिर पत्रकार वार्ता के दौरान ऐसी बात क्यों कही गई? कहीं ना कहीं जो पंच सरपंच हैं वो री टेंडरिंग का भी विरोध कर रहे थे क्योंकि उसके बाद वो डीसी उधमपुर से भी मिले हैं और उनकी समस्या का कहीं ना कहीं समाधान हुआ है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा जिसके बाद पंचों सरपंचों द्वारा भी एक पत्रकार वार्ता की गई। आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है? इसी मुद्दे को लेकर आज मैं आमने सामने में आपको लेकर आया हूँ सरपंच गोगड़मल के जो है सुभाष जी और उनके साथ जो एडवोकेट है सुशील सेठी जी। जी सेठी जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे बनता है, कहीं ना कहीं आप कई सारी पत्रकार वार्ताएं कर कई मुद्दों को उजागर करते हैं और कई लोगों पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लोगों को सर्टिफिकेट देने का काम आपने कब से शुरू कर दिया है? धन्यवाद आकाश जी, मैंने लोगों को सर्टिफिकेट देने का काम नहीं शुरू किया है, मैंने काम शुरू किया है अपनी ईमानदारी का। रही बात मेरे सर्टिफिकेट की, कल ये बात सरपंच जी ने भी बोली थी कि उसको किसने सर्टिफिकेट दे दिया है बोलने का, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सरपंच जी मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये सर्टिफिकेट मुझे उस दिन मिल गया था और ये सर्टिफिकेट हर उस हिंदुस्तानी को उस दिन मिल जाता है जिस दिन वो हिंदुस्तान की धरती पे जन्म लेता है। ये हर किसी का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसके लिए उसको किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती आकाश जी, पहली बात। दूसरी बात, ये बोलते हैं कि सेठी कौन होता है सवाल पूछने वाला, अरे भाई जहां पर हर बंदे को पूछने का अधिकार है और हर उस व्यक्ति को पूछने का अधिकार है जो किसी एक संवैधानिक पद पर बैठता है। अभी तो आपने देखा ही क्या यार, मैं आपको बता देता हूं कि जय सेठी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी प्रश्न पूछने का अधिकार रखता है और वो अधिकार मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। वो अधिकार मुझे किसी सरपंच से नहीं लेना, मुझे किसी पवन गुप्ता जी से नहीं लेना, मुझे सुनील वर्मा जी से नहीं लेना, मुझे किसी बीजेपी एनसी कांग्रेस से नहीं लेना। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और मैं इसे हटूंगा क्यों? अनपढ़ता इन लोगों में है जिनको ये पता नहीं है, फिर मैं इनको अनपढ़ क्यों नहीं बोलूं? मुझे जवाब दो आप। सरपंच जी, आज फिर वही बात दोहराई जा रही है हमारे आमने सामने की, सरपंच अनपढ़ है, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखो साढ़ा जेरी गलबात ही साढ़ी शुरुआत ही, मैं इसी डोगरी च गै करना, मैं शुरू च गै डोगरी च कीती गलबात। केह हो गया, साढ़ा एक निक्का जेहा प्रोग्राम रखिया असें जेहदे विच सरपंच किट्ठे होने का प्रोग्राम था साढ़ा, असें जाने के निक्कियां मुद्दे और होंदे बड़े सारे सरपंच जेहड़े ग्रां च जेहड़े पिछड़े जेहड़े बसंतगढ़ एरिया पई गया, मरलाटी मरोटी पई गया जां साढ़ी पालीधार ब्लाक पई गया, बड़े सरपंच साढ़े पिछड़े उन्हें निक्के निक्के मुद्दे जेहड़े छोटे छोटे लैवल उपर आउंदे होंदे। पिछले दिनें साढ़ा एक ई टेंडरिंग का मसला, जाने कि जेहदा ई टेंडरिंग, ओहदे विच क्या होया कि ई टेंडरिंग का एक बड़ा बड़ा इशू आ कि ओहदे विच जिहड़ियां क्वालिफिकेशन बड़ी ज़्यादा रखी दी उन्हें, जाने कि प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट रखे दा 5 लाख रुपए का, बैंक बैलेंस रखे दा 2 लाख रुपए का, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट रखे दा, बड़ा अमाउंट ज़्यादा है। ओहदे पर असें सरपंच के सारे मेरे कन्नै गल लगे करना, ओहदे विच गल छेड़ी, मैं क्या चलो ठीक है, ओहदे विच बेही है एक मैडम की, डीसी मैडम की, मेमोरेंडम दे सामने अस कि केह गल है, केह ओहदा भरा कोई घटी सकदा जां बधी सकदा। एक मैडम पहला गल मिकी करना दिओ, अगर तुसें कीती तां मिकी करना दिओ विच, जां तुसें करना तां तुसें करो भी, अगर मैं पूरी गल सुनाना ठीक है, चली साडी गल। ओहदे बावजूद अस अगर उत्थे मीटिंग करा दे 1:30 बजे दे विच, ओह दोबारा उन्हें मैडम होरें दोबारा कड्ढू लिया, जेह्का ओह कड्ढना असें अजें मामला लेइयै दूए दिन लेई सोचा ते उन्हें कड्ढू लिया। इन्ने चिरे च अस केह् करना कि असें सोचा कि एह्दे विच इन्ना रेह ओह्दे विच कड़ा उन्हें क्वालिफिकेशन कढ़ाई ओड़ी ही ओह्दी, 20,000 रुपया करी ओड़ा उन्हें, कोई किन्ना दा बैंक बैलेंस ते प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट 50,000 रुपया करी ओड़ा मूव एबल वी वा, यानी कि उन्हें प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अज्ज ओह्दा कोला भी कढ़ाई ओड़िया मैडम होरें, अज्ज भलेआं उन्हें देई ओड़िया कि 50,000 ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਬੱਬ ਲਾਈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸ਼ੇਰ ਕੱਢੀਏ ਵੀ ਦੇਈ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰੇ ਤਾਂ ਨਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇਖਣੇ, ਅਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਮਾਰੇ ਅਣਪੜ੍ਹ, ਸਰਪੰਚ ਚੋਰ, ਸਰਪੰਚ ਅਣਪੜ੍ਹ। ਯਾਰ ਅਣਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੈਲਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ, ਚੈਲਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਢਾਓ। एक और सबूत अनपढ़ता का, इन्हें हिंदी समझ घट्ट डोगरी च सुनो, एक और सबूत इंदा मूंगा अनपढ़ता का,
आखा था कि सरपंच किटे हो और सरपंच उत्थे आखा था कि डीसी ने मैडम कटे आर्डर कटिया अनपढ़ सरपंच हो मैं तुसें ये पूछना अपने के नाम का परीक्षित सिंह उनके बड़े भरा अनिरुद्ध सिंह जी जेके पंचायत सैकटरी के प्रधान ठीक जाना भाई पत्रकार वार्ता कराते और उनकी डीसी मैडम ने मीटिंग हुई इनकी मीटिंग कशा त्रै घंटे पहले और उन्हें पीटीआई बाइट दी कि जेका इनका मेमोरेंडम कटे था वो प्राप्ति का 50,000 का है और बैंक बैलेंस 20,000 है फिर भी उसको आर गाड़ी का आर गाड़ी का सुनो सुनो आर गाड़ी का बिल्कुल देखो आर गाड़ी का बिल्कुल देखो देर भाई आ जाओ देर भाई आ जाओ कटे जी ए ये दुकान नहीं कर लो देर भाई आ जाओ देर भाई आ जाओ अनिल सिंह उनकी पत्रकार वार्ता देखो कितने बजे दी है और इनकी स्टेटमेंट देखो कितने बजे दी है और ये खले के ऐसे अनपढ़ था दूसरी गल ये क्या कह दे कि असें एक पत्रकार वार्ता की इस मुद्दे पर ई टेंडरिंग पर चर्चा की ई टेंडरिंग पर की ई टेंडरिंग आम लोग सरपंच छपुंजा सरपंच सुनो छपुंजा सरपंच आए साढ़े कन्या कल इंदे च रही छपुंजा चा 8 सरपंच जिन्हें पत्रकार वार्ता मैं ठीक है अनिरुद्ध उनकी पत्रकार वार्ता दिखो और इन्हें जी स्टेटमेंट दी सुनील मनोहर होर टाइम दिखो इनकी जी रिवायत चोरी दुद्ध पानी पानी लगी जाना अगर एक पंचायत सैकटरी का प्रधान स्टेटमेंट दिया था ओपन मीडिया के नहीं उन्हें इंटरव्यू दिता कि साड़ी डीसी मैडम ने कन्या गलबात हुई कि जेका प्राप्ति सर्टिफिकेट है 50,000 ने सरपंच साहब कोई दवाई और शहीद दुआ खाओ बैठक की जाती है यहाँ पर जेडी बैठक उठी होती गल गलाई जाती के जेडे ए सरपंच जिन्हें भी आए कुछ भी पार्टी कन्नै नहीं जुड़े दे बिल्कुल उठे भी की सरपंच जी बिल्कुल सही गल मैं अज इत्थे मीडिया अज भी आखन लगा कुसे पार्टी कन्नै जुड़े नहीं करदा सरपंच साहब किश दे अपना दिमाग कशा कम लियो सुनील मनोहर समोत्रा जी दऊ इलेक्शन पैंदर दा मैनू करा दिए ओए फ्रेंड दे थोड़े कन्नै बैठे पत्रकार वार्ता च ओ कुसे पार्टी कन्नै नहीं जुड़े इलेक्शन लड़ना लकड़ी गल यार पार्टी कन्नै लगदा पार्टी कन्नै नहीं यार कमाल दी गल मेरी गल सुनो कट चले आम झूठ आज घाट झूठ कैमरा सामने झूठ बिशन दास जी जगह मेरे प्रधानमंत्री और मीडिया खाते इन्हें आखिया के सेट ने 73 वोट ले ले ओ मारे तोड़ा दिमाग कुते है अगर मैं 73 वोट ले ले मैं आन रिकॉर्ड आखना तोड़े पैर बंदिया माफी मांगदा तुझे ये नहीं पता मैं वोट कितने ले रहे थोड़ा दिमाग है कोई तो लोग ये संबोधन कराते तो झूठा प्रोपेगेंडा बुलाते हो तो अपनी पेट बढ़ाए अबू आप थम दबा दे कैसे आपने पास कराया तुझे आपने रिमोव कराया ये अगर गल करते हैं तो वो भी जनता के प्रतिनिधि जीती आए कौन बिल्कुल आए थे जीती आए क्या उन्हें राइट नहीं है कोई अपनी उन्हें बिल्कुल राइट है बिल्कुल राइट नहीं जीती आए थे किन्ने परसेंट ले रहे एक बोर्ड ने सरपंच ने 35% 40% 60% बोर्ड ने खिलाफ भेजा होना विरोध होगा री टेंडरिंग का विरोध सरपंच करा करते उन्हें अपने चहीते ही ठेके देने क्या यह गल सही है बिलकुल झूठ है दिखो जिस वेला साड़ा ग्राम सभा होंगी ठीक है साढ़े पैंच होंगे और पूरा ग्राम किट्ठा होंगे और रिकॉर्ड दिखी लो जिस वेला साड़ी ग्राम सभा होंगी ओहदे विच पूरा हर एक पंच की जगह ओहदे विच पूरा पाउंदा कि किन्ने कुसी बंदे काम देना यार ना अज तक आन रिकॉर्ड कड्ढी लो कुसै पंच दे सरपंच दा ना अगर बरकाटर होदा उप्पे उस वेला सरपंच दा रिजाइन दे देगे ओ सरपंच साहब तो समझा दे कुसी हो कुसी समझा दे हो सरपंच और पंच काम कराई नहीं सकदा कराई नहीं सकदा कानून है आन रिकॉर्ड है सरपंच रिकॉर्ड नहीं कानून है कानून ना नहीं है तो फिर किन्ने कीता फिर किन्ने सरपंच चोर है किन्ने सरपंच पंच चोर है दसां की चोर शब्द मेरे मुंह नहीं आ रहा चोर शब्द तोड़े मुंह आ रहा मैं सबूत कराना आज नोट रखो मेरी गल चोर शब्द अगर मेरी बानी दे बिचा सरपंच दे खिलाफ निकला हुआ है मैं खाने दे तोड़े सामने नक रगड़ेगा सेठी इत्थे सामने आन गाड़ और मीडिया सामने लेकिन मेरी गल सुनो यह आखे कि सरपंच काम नहीं करता पंच काम नहीं करता ते ही कह दी खिलाफ सरपंच पुड़के गया हूं मिगी ऐसा जवाब देने की पुड़के ग्राम बिच सारे कोल लोग आए ना यार दसो मिगी एक बंदा कौन आया यार मैं और तू मेरे घर के मेरे कोल ग्राम दे किन्ने लोग आए अज का है जेड़ा काम हुंदा हा वो पंचायत सैकटरी दा नाल अलॉटमेंट हुंदी सुनो मेरी गल
अज पिछले के पंचायत सैकटरी जेका आया सस्पेंड होई गया बेचारा होई गया सस्पेंड ओदे फेवर च कोई आया कोई पंच सरपंच आया काम जो पंचायत से कराए देना एक पंचायत जिसल एट अ टाइम दस कम लगी जाते सर पंचायत सैकटरी को इन्ना पैसा नहीं होता कि जो अरेंज करे ठीक है ना ये वास्ते ई टेंडरिंग हुई और दूई गल आखा दे मैंने एक चीज पूछना चाहना सरपंच साहब तुसा सरपंच बने पौने त्रै साल हो गए नलायक आदमी निकम्मा आदमी जनता ने मिगी नकार उड़िया ठीक है जी तुस काबिल थे इंटेलीजेंट थे जनता ने तुसें बना उड़िया मिगी तुस सनाओ तुस 14 एफसी दे बारे केह जानदे 15 एफसी दे बारे केह जानदे व्हाट अबाउट टू 14 एफसी एंड 15 एफसी इन पंचायत असि पता है 14 जी गल करते एक इंजीनियर करनी ठीक है करनी एक इंजीनियर जहां तुम जिस वे सरपंच बन के उत्थे आखो कि मेरे को 14 लाख रुपया मैं ना प्लांट लाना चाहना एक इंजीनियर करनी उत्थे पंच बैठे सरपंच दोनों चक्कर आपस आया महाराज क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लगता सरपंच उपर क्योंकि बड़े सरपंच साढ़े पिछले उधर भी गए अपनी कुर्सी बचाने किश भी समझौता कुर्सी कानून खिलवाड़ क्यों कर रहे जिथे मैं कानून समझौता करना पिया कि अगर पंचायती राज एक्ट हो फोर्टीन एफसी इनकम हर पंचायत पंचायत भी लेना और फिर मैं बिल्कुल आन रिकॉर्ड इस चीज की कोर्ट चैलेंज करांगा कि अगर 14 एफसी का कानून सरपंच का कानून क्यों बदले सारे छोड़ो मेरी गल सेठी जो बोलता सबूत आधार उपर बोलता और सेठी सच बोलता दूई गल सुनो अपनी जबान सुनो तुस अपनी कल अगर टेंडरिंग होंगी थोड़ा आखना की बेरोजगारी दूर होनी क्या बेरोजगारी दूर होनी क्या वो काम ग्रां लोगों लगना बिलकुल ओके प्रावधान है कि अगर मैं थ्रूगा पंचायत का मेरा कार्ड बना मैं पंचायती स्तर का काम पाना तो मैं थ्रूगा पंचायत के पाई सकना मैं जगानू नहीं पाई सकना यह कानून है उसके पास होगा इन्हें खबरें पढ़ा नहीं पढ़ा उसके बाद अगर मिगी पंचायत लैवल उपर काम नहीं होता मैं 25 लाख तक काम जिनी उस कार्ड की लिमिट है मैं PWD च इरीगेशन च PH च PDD च कुछ भी पाई सकता चोटिया ला कौन होता तुसें पता सनातन धर्म हिंदू इस शिखा का मतलब है इसके बारे किस नाले रखते हो तुस ब्राह्मण समुदाय का ताल्लुक रखते हो तुसें इस चीज का पता है इसका मानना नहीं पता किन्ना होता कुछ पुछया यही है कि जो मैं कल का कमेंट किया नोड़ी चोटी का चोटी पड़ता अगर पिछले तुम इस चोटी रखना मैं एक शान समझना हिंदुत्व की मैं शान समझना सनातन की और तुम लोग इन्नी अमर्यादित भाषा के उपर उठ जाए कल जान बिल्कुल सच्चाई नहीं है बिल्कुल सच नहीं है सीधी गल ऑनलाइन गल करो आराम
या एक मेरी गल सुनो, अगर अस सरपंच किट्ठे होइए, सरपंच गलत होइए, मेजर गल नहीं जी, मैं सच्चाई सुनाना इन्हें जी, नहीं कसम देनी धर्म चुकाना। क्या तुम काम नहीं करते पंचायत बच्चे, तुम चोरिया चोरिया सारे सरपंच काम करते, अपने छेते ही काम काज दे, अजो काम काज बंद हो गए ई टेंडरिंग करने। जल्द कुछ टेंडर ले दो ना, नी इन्हें पूछना कुछ नहीं है, जो ठेकेदार होना टेंडर मुकाबला करी गए लेना, इन्हें कौन पूछेगा। टेंडर कड्डा के पहले जी प्रॉपर्टी है तहसील बाबे नाम की, हूं मैडम होर ऐसा क्या ऐसा उन्हें और कटाई है, उन्हें अज ये देखो ये आन रिकॉर्ड पेदी मेरे को, देखो डिस्ट्रिक्ट ग्रुप है साड़ा, ये हूं गया पाया और असें एक ग्रुप पाई, ये दिखो इन्हें के लास्ट लैन लिखी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट फॉर मीडिया प्रॉपर्टी नॉन इन द नेम ऑफ सन ऑन द एडिशनल एफिडेविट एज पर द फॉरवर्ड शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड इन सच एज केस। सर मैं इस चीज ऊपर बहस नहीं करा, ठीक है, मेरी गल सुनो, सारी लड़ाई एदे कन्ने, सारी लड़ाई एदे कन्ने, इंदे कशा त्रै घंटे पहले अगर डीसी सारी लड़ाई एदे कन्ने स्टेटमेंट दे उठी तो त्रै घंटे बाद की करदे हो, नहीं रखो जो त्रै घंटे बाद की करदे हो, आज पट्टी दा जवाब दियो, सारा सारा त्रै दिन पहला प्रोग्राम, तुसे अगर मिनट मिनट दी खबर है त्रै घंटे पहले लगे गए तुसे उधर प्रेस पत्र पत्रकार वार्ता उधमपुर च होई, जिस दिन मैं खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पुजी गए और अनिरुद्ध होरें प्रेस कॉन्फ्रेंस की चौं घंटे इन्हें पता लग गया, देखो दुगलापन दिखो, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजे मिनट इंदे कश, अनिरुद्ध की प्रेस कॉन्फ्रेंस चौं घंटे इंदे कश नहीं पुजी, इंदी क्लियर घट गल है कि अपने जागत जागत के गुआढ़ियों जागत पर घट, यह जो आखिर सच है ना, अनिरुद्ध होर गलत, सेठी गलत, डीसी मैडम गलत, कानून गलत, पंचायती राज एक्ट के गलत, सही एक सरपंच सुनील मनोहर, अच्छा तो एक गल सुनो यार, एक टारगेट मेरा सुनो, टारगेट मतलब आज डीसी मैडम का काम करना, मैं सरपंच का काम करने एक एग्जांपल देना, सुनो मेरी गल, पांच छह दिन पहले कैंपल जंगल एक मुद्दा उठा, इंदा के सरपंच चुकया सुनील मनोहर और पुराने पैंथर सरपंच सुभाष और शशि सरपंच कैंपल का, मेरी गल सारे सरपंच बीच पैंथर ते बीजेपी हाथ है की, जो तुम कर अनना ना तोड़े की अनते, और तुसे भी दसना ना, तुसे भी दसना जगह सुनो, इन्हें रौली पाई, इन्हें सारा ग्रुप जेड़ा सरपंच है उसी ये लोग जेड़े बाहर दे बाहर जेड़े लोग ये त्रोड़ ना जाते और इनका पूरा देर मटूंगा ये सरपंच ही त्रोड़ो, हम दसना ग्रुप बिठाए और कोई ग्रुप नहीं आया, इन्हें पत्रकार वार्ता की उठे जाइए है, मीडिया सदी स्टेटमेंट दी कि ये शर्ट शशि सरपंच बना दी, मारा टेंपर टई गया जी, ये देखो जी इन्ना नुकसान हो गया, मीडिया खबर तुसें दिखी जी, तुसें भी दिखी जी, शशि सरपंच होरें दूए दिन केह कीता प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें आखिया कि यह रोड में इंजे बना टेंपर चलाने से नहीं बना, हूं तुम मिगी दसोगे सरपंच काम करांदा या नहीं करांदा, सरपंच काम करांदा या नहीं करांदा, सरपंच पर काम करांदा या देख रहे हो दी गल नहीं देख रहे हो, थोड़ा ग्रुप की बड़ी मुबारक है,
मैं नारी सपोर्ट करगा, ये जिथा त्रुटक मैं गन्ने की कोशिश करगा। मिकी तुसें सनाओ, मैं चैलेंज करने के थोड़े ग्रुप 80% सरपंच पैंथर करसी तन चैलेंज करना इतवा मैं, ठीक है। दूई गल, मेरे ब्लाक जगानू च 11 से पहले तुस पहले अपनी गल सनाओ, तुस आपू पहले ते स्पष्ट करो अज के तुस केड़ी पार्टी करने ब्लाक मैं पार्टी लानी है क्लियर रखना मौजूदा कुछ चलाने पिछे के रहा मेरा पॉजिटिव गया हा तो अभी पत्थर बनता प्रेजेंट की है मैं वकील है अगे के होना कोई पता नहीं है ठीक है ना पिछले तुम भुल जाओ मैं आखना के प्रेजेंट टाइम च मेरे ब्लाक च 11 सरपंच जगानू च दरसूद सरपंच सोशल मीडिया जमाना है जरा तुसे ब्लैक मेलिंग की ना पिछे उसी छड़ी दो करने कल पत्रकार वार्ता आखिया इंटरव्यू दिया दस हजार मार है उसी कुछ भी फरकाउड़ो बस सरपंच साहब 15,000 रुपया मेरा कुत्ते ने कुकड़ा खर्चा कि 15,000 रुपया और मैं अपने दम उपर रखे ठीक है अज दिन तुड़ी पूरा उधमपुर शहर की मैं चैलेंज करना इस मीडिया के माध्यम करने कि जेका माई दा लाल कोई लीडर यह आखू है कि सेठिया तेरा घर पानिया घुट भी पीते दा बाकी रही गल पैसे दी हिंदुस्तान दे खजाने च और रुपया नहीं तैयार होया जेका सेठी दा जमीर खरीदिया ये गल कन्न खोलिए सुन लो और इन्होंने चीजें की मान आनी इस शिका उपर कमेंट मेरी 5-10,000 कीमत और चोर का शब्द जेका तुसें यूज कीते दा तुस सरपंच मिसलीड तुस करा दे हो अगर मेरी पत्रकार वार्ता बिच चोर का शब्द यूज होता काजी चौक दे बिच खड़ेरिए जूते मारने मिकी इन्हें लोगों की मिसलीड करना काम करा दे पिछे भी किया अगे भी करा दे गलती करना अस मनने के ठीक है त्रै दिन पहले आर्डर निकलता जिस बेले एडा वड्डा उन्हें सिस्टम दिता अस आखिया नहीं करी सकने असें सारे सरपंचें गी काल कीता अस प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दे उत्थै प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कीती मीडिया अस इत्थे अज भी आखने के मीडिया उस दिन कुछ नहीं हा सदा मीडिया कुत्थुआं पुण के लगी अज मैं सेठी इत्थे भी तुसीं आखना कसम देई आखना कि मिकी अज दी डेट च भी मैं आखना कि असें उत्थे रखी मगर मिकी अज दी डेट च भी मिकी कसम देई पुछी लाओ और मैं मीडिया ले कुसे इनवाइट कीता पण कणी लग रही है सुनो मेरी स्पेशल इंटरव्यू इने तुसे पत्रकार सम्मेलन कीता उसी इंटरव्यू आ दे जेका तुसी इंडिविजुअल आदमी दिने इंटरव्यू है ये साडा इंटरव्यू चलाता ये पत्रकार सम्मेलन नहीं है उस दिन जेका सर असीं नहीं पता मेरी गल असीं नहीं पता पत्रकार सम्मेलन के हुंदा ते ऑनलाइन ठीक है फिर तुसा असीं पता नहीं होगे हो तुसी पता नहीं होगे असीं मीडिया जेडी पुछदे गल गए हो गल गल जो जितने तो अपनी जी पंचायत बेहतर काम करने गला प्रतिबंध हो जाता की कोई ना कोई काम ऐसा करते जिसे जनता का भला हो काफी सारे मौके जी सरकार सरपंच दिया करती है के सोचते हो आने वाले टाइम के करना चाहते हो मैं सर मैं अज की डेट च सरकार का बड़ा धन्यवादी है कि पहले जिन्हें जिन्हें जमाने पहले 14 FC जरा 15 FC है अस भी पंचायतें बिच मैं 2002 च भी इलेक्शन जीती थी उस वेले भी नायब सरपंच रहा नायब सरपंच रहा मगर उस वेले पंचायत की 2-3 हज़ार रुपया ज्यादा ज्यादा बड़ा 2 लाख रुपया आता होंगे अज की डेट च पंचायत को मेरी पंचायत आन रिकॉर्ड अज की डेट च 28 लाख रुपया पेदा मेरी पंचायत 28 लाख रुपया अज की डेट च पंचायत ही पेदा क्योंकि इन्ने पैसे पंचायत च आवा दे पंचायत काम नहीं करेगी क्योंकि उस वेल्लै पंचायत 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया आता
और अस इस गौरमेंट का धन्यवाद करने और इंदा गौरमेंट अज की डेट जियां गौरमेंट थ्री टायर चला दा सिस्टम चला दा और साढ़े जम्मू कश्मीर की अजें इस थ्री टायर की समझने की जरूरत है इस चीज की समझने की जरूरत है जियां फर्स्ट टायर सैकंड टायर थर्ड टायर का क्या काम है अनपढ़ता ना सरपंच च है ना बी डी सी च है ना डी डी सी च है ये वकील अस ठीक अनपढ़ा मगर मैं इन्हीं सेठी साहब की एक गल सुनाना चाहना एह्दे विच कि कोई भी लफ्ज बोलना हा पहले थोड़ा जिहा सोची लै रो क्योंकि जिस वेले भी असें देखते नहीं अगर मेरा एक भी लफ्जा मर्यादित तू है एक भी लफ्जा मर्यादित तू है मैं मुंह पर चैलेंज करिया करना थोड़े किन्ने लफ्जा मर्यादित है मैं मुंह पर सुना उड़े किन्ने लफ्जा मर्यादित और दूई गल तो थ्री टायर की गल करा दो है ना तुसें पता थ्री टायर कि चलता थोड़ा पंचायत थोड़ियां तुम जीते मैं हरा दी सुनो मेरी सुनो ना मेरी गल हूं डीसी का जाना थोड़ा काम नहीं है थ्री टायर च मेरी गल कन्न खोल के सुन लो नहीं तो पड़ोसी एक्ट की तुसें जाना पौंदा जियां तुस अपना एक ग्रुप बनांदे हो ना पूरे सरपंच किट्ठे होंदे तुसें जाना पौंदा अपने बीडीसी का सुनो मेरी गल अगर बाप पुत्र ये पुछा गए पहले मेरी गल सुनो ना पहले मेरी गल सुनो अगर बीडीसी थोड़ी गल नहीं सुनता तुसें जाना अपने डीडीसी दे चेयरमैन का ठीक है लेकिन इत्थे समस्या पता केह बनी उधमपुर बीडीसी दे चेयरमैन बलवान होर उंदे खिलाफ ही मनोरी इलेक्शन हारी दे डीडीसी दे चेयरमैन लाल चंद होर उंदे खिलाफ ही इलेक्शन हारी दे वो आखदे मैं उंदे घर नहीं जाना मेरी बेइज्जती होई थी यार मनोरी ऐसा मैं गुरु पवाया की असरा होड़ा ये दसो थोड़ा कन्ने बैठा की आओ कन्ने बैठा की आओ यार एक टारगेट तेरा गंद बंदे टारगेट नहीं मैं सदाई सुना ना बंदे टारगेट यार ये चोर की खींची तो अपनी लग पकांदे ए ढाई चौल की खींची अपनी लग पकांदे नहीं सारे कन्ने जरा मक्खन मनास और बोलते केड़ी बात मेरी गल सुनो मैं तुझे मुंह पर सुना केड़ी बात ने बना बस छोड़ो मक्खन मनास की गल मैं कराने नहीं है और मक्खन मनास ने कल जेड़ा स्टेटमेंट दी थी मीडिया की मैं उस बंदे की वाकया सलूट करना वाकया सरपंच का काबिल है यार बेशक मेरा खिलाफ बोलिया लेकिन शब्द का चयन बड़ा चुकनी चुनिया किया उसने मैं मुंह पर रखना मक्खन मनास बेशक थोड़े कन्ने करा दे मैं इस चीज की मैं मनना ठीक है वकालत करना मेरा पेशा बहस करना मेरा पेशा है ठीक है या नहीं लेकिन थोड़े सरपंचें की और पंचायतें की मैं चैलेंज करियै सनाना 14 FC दी जेह्की लूट कसूट कीती तुसें मैं ओह भी बाहर कड्ढनी अज्ज मैं 4 आर्टियां लाई आया 24 पंचायतें मैं पूरियां 200 छित्तियां लानियां तुसें मिगी 200 छित्ती पंचायत दसी ना और 14 FC दा जिस दिन मैं घोटाला कड्ढगा ना इयै थोड़ी मीडिया होनी अकाल जी थोड़े कन्नै गए पत्रकार बंधु होर भी होने और हून 15 FC भी आने वाला तुसें मैं दसगा कि इनकम जनरेट कियां होंदी चेता रखे मेरा नां सेठी हो ठीक है लेकिन कानूनी तौर उप्पर मैं कोई और नहीं गल कोई उल्टा ना करो कि इ'यां खिलाफ उत्थै जाइयै तुस आखा दे नी कि साढ़े खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लगदा अ'ऊं दसगा मोशन कि'यां लगदा हून मैं बनाना मोशन ते रोकियो इसी मोशन ही मोशन मराओ जो मर्जी मराओ यार कानूनी साहब लड़ो ना कुसै गाल गलौज की करनी मेरी गाल दसो यार तुसी टारगेट की करना एक टारगेट करना मेरा तो कम है तुस गलत करो टारगेट नहीं करना की करो कल की एक बंदा गलत सोचा कहते सर्टिफिकेट कुछ दिता सेठी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री माननीय नरेंद्र मोदी होरें प्रश्न पूछने हिम्मत रखा ठीक है ये वो सेठी हो बाकी सरपंच पंच दे सुनील वर्मा और दे पवन गुप्ता और नहीं छोड़ दियो ये मैं तुझे अपनी ये मैं वो सुनाना कि जे काम की मेरा रख ले तो अगर रख ले जाई सके तो रख ले उन तेरा ये काम नहीं करते आज नहीं जाते आज नहीं जाई सके तो रख ले ये काम नहीं करते प्रधानमंत्री ये पूछ ये प्रधानमंत्री पूछ ही सकदे सरपंच डीसी साहब की नहीं पूछ फिर तुझे कल ये गल क्यों आखी कि सेठी सर्टिफिकेट को दिता प्रश्न पूछना ये गल क्यों आखी अधिकार है चोर आखे दसो की तुम तुम लोग भड़का दो तुम सरपंच भड़का दो सेठी चोर रखी जा तुम मकान रखी जा तुम गल करा दो सरपंच साहब तुम मेरे बड़े भरा हो ठीक है मैं इज्जत करना लेकिन जिस वेला कोई मेरे गिरेबान उपर जां कोई मेरी शिखा दे उपर जां मेरे धर्म दे उपर जां मेरी जात दे उपर टारगेट करे ना ओ बर्दाश्त नहीं होना ए भुल जाओ तुस जियां के सरपंच और साडे कार्यक्रम च शामिल होए सेठी और साडे कार्यक्रम च शामिल होए कई सारे मुद्दे पर इन्हां बहस कीती ते अपनी अपनी गल कथ साडे दर्शकां तक रखी मैं सरपंच जी थोड़ा भी बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करना ते सेठी जी थोड़ा भी कि कई सारी जानकारियां सरपंच होरें भी ते सेठी होरें भी साडे दर्शकां तक पहुंचाईयां उम्मीद करदा कि आने वाले
समय पर एक नवी शख्सियत कन्नै भी थोड़ी मलाटी करागे। तद तक दिओ इजाजत, नमस्कार।